धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर मैं भारत के हिंदू कहलाने वालों से अपनी मन की बात बताना चाहता हूं। और वो बातें ये है कि आज हमारे घराने की लड़कियां हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं उन्हें, और ना वो सुरक्षित रह पा रही हैं। ये तो भारत का इतिहास है कि मुगल काल से लेकर अब तक हिंदू लड़कियों से शादी करना, हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर ले जाना, या धन दौलत रुपया पैसा का लोभ और लालच देकर हिंदू लड़कियों को मुसलमानों ने अब तक शादी करते आए हैं और उनसे संतान उत्पत्ति करते हुए भारत को इस्लामीकरण किया और कराया गया है, जिस तरीके से भी हो। ये लक्ष्य तो इनका पहले से ही रहा है। आज भी हमारे घराने की लड़कियां इन चीजों को, इन बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अब ये अगर ना समझें तो दोष तो, आरोप तो माता पिता पर ही लगेंगे। माता पिता को चाहिए कि अपने लड़कियों को सुरक्षित किस तरीके से रखा जाए। आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं। अभी पिछले दिनों में भी आप लोगों ने देखा कि जाकिर नाइक तो खुलेआम सड़क पर ही गैर मुस्लिमों को, हिंदू लड़कियों को, हिंदू लड़कों को मुसलमान बना रहा था। तो हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, कहीं एमएससी फिजिक्स है, एक लड़की जो कि एक दसवीं पास लड़के के साथ वो चली गई, 3 महीना के बाद ही उसको मैं निकाल कर लाया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हमारे घराने की पढ़ी लिखी बेटियां, पढ़ी लिखी बच्चियां ये इस्लाम से मुतासिर क्यों हो रही हैं, जिनके पास कोई जवाब ही नहीं है, जो एक भी सवाल का जवाब इस्लाम वालों के पास नहीं है, जो आज संपूर्ण विश्व के आंगन में मैं इसे सिद्ध कर चुका हूं। आप लोग देख रहे हैं रोजाना यूट्यूब में महेंद्रपाल आर्य क्या बोल रहा है। तो मैं निवेदन ये कर रहा हूं अपने बेटियों से, विशेषकर जामे मिल्लिया से भी मैंने 3 लड़की को निकाला, और एक लड़की तो दिल्ली की है और वो अफेयर चल रहा था उसका रावलपिंडी के एक लड़के से। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे घराने में, हमारे घराने के लोग अपने बच्चियों को सही तालीम नहीं दे पा रहे हैं, और उन लोगों का लक्ष्य पूरा हो रहा है कि हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर वो शादी करते हैं, और मन जब तक चाहा तब तक साथ रखा, जब मन में नहीं आया तलाक दे दिया, छोड़ दिया। ऐसे भी बहुत से केस मेरे पास में है। गाजियाबाद में ही एक लड़की, एक नहीं बल्कि 2 केस गाजियाबाद का ही है मेरे हाथ में अभी भी, वो लड़की छटफटा रही है। लेकिन इस तरीके से जो परेशानी वाली बात है, वो परेशानी इसलिए है कि हमारे माता पिता कहलाने वाले हम जैसे गृहस्थी लोग अपने बच्चों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अपने बच्चों को औरों के साथ मिलने नहीं पा रहे। देखिए, मुसलमान लड़कियां नहीं करती, ऐसी बात नहीं है, मुसलमान लड़की भी कॉलेज में जाती है, उनका भी बॉयफ्रेंड है, हिंदू लड़की भी कॉलेज में जाती है, उनका भी बॉयफ्रेंड है, लेकिन मुसलमान लड़की अपने बॉयफ्रेंड को कभी घर नहीं ले जा सकती, उनके घर में इतनी सख्ती है। लेकिन हिंदू घराने की लड़की अपने बॉयफ्रेंड को घर ले जाती है, माता पिता से परिचय कराती है, माँ कहती है ठीक है तू भैया से बात कर, मैं चाय बना करके ला रही हूँ, यानी माँ ही परोस रही है। ये हिंदू घराने की ये स्थिति है। इसलिए मैं बहुत ही दुखी मन से आज विनती कर रहा हूं समग्र भारत के हिंदू घराने वालों से कि अपने बेटियों को संभाल करके रखें। अपने बेटियां कहां कहां जुड़ रही हैं जाकर के, मेरे हाथ में बहुत केस है अभी इसी दिल्ली में ही बहुत केस ऐसे हैं जो हमारे घराने की लड़कियां मुसलमानों के टच में जा रही हैं, कईयों को मैं रोक रखा हूं। इस तरीके से ये सारा काम हो रहा है, आए दिन हो रहा है। तो ऐसे काम ना होने पाए, आपके घराने की लड़की जो जा रही है वो केवल उनके यहाँ संतान बनेंगे और आपके दुश्मन बनेंगे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद को भी कहना पड़ा कि ऐ हिंदुओं, तुम्हारे घर से तुम्हारा कोई भाई या बहन, बेटा या बेटी मुसलमान या ईसाई बन जाए, ये मत समझना कि संख्या घट गया, संख्या तो घटा ही घटा है, पर एक शत्रु बढ़ गया। तो हम अपने घराने की को
सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हर गृहस्थी को, हिंदू कहलाने वालों को इस पर चिंतन और विचार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।